खबर कोरिया जिले से है, जहां बैकुंठपुर जिला अस्पताल में मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन में लापरवाही गंभीर समस्या बन चुकी है। दरअसल यहां के अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल कचरे को एनआरसी, सीटी स्कैन सेंटर और शौचालय के पास खुले में डंप किया जा रहा है। इसके कारण यहां आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को न केवल असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा इस मार्ग का उपयोग पोस्टमार्टम के लिए आने जाने वाले लोगों को भी करना पड़ता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। वहीं अब इस विषय को लेकर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए पहले से ही प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट किया गया है, जो इसे समय समय पर ले जाती है और यह प्रक्रिया पूरे राज्य में लागू है। आगे उन्होंने कहा कि एनआरसी केंद्र के बाहर बायोमेडिकल वेस्ट रखे जाने की बात पर मैं जांच करवाऊंगी। अगर वेस्ट अव्यवस्थित तरीके से रखा गया है या दुर्गंध की समस्या हो रही है तो इसके समाधान के लिए तुरंत उचित व्यवस्था करवाई जाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ऑलरेडी हम लोग का एक एमओयू हो रखा है और प्राइवेट कंपनी है, उसको समय समय पे आके लेके जाती है। ये निर्देश पूरे राज्य में लागू है और हमारे यहाँ भी बकायदे उसको रेड ब्लैक जो जो निर्धारित कलर कोडिंग है प्लास्टिक्स की उसमें रखा जाता है। बहरहाल जो आपने एनआरसी सेंटर के बाहर रखे जाने की बात कही है उसको मैं चेक करवाती हूँ। वैसे उसको कवर्ड करके रखा हुआ है, अगर वहां से स्मेल आने की संभावना हो रही है तो उसके लिए एक उचित व्यवस्था करवा ली जाएगी।